अंजनी कहाँ से आई हैं? घुगली से, घुगली जोगियां बा। अच्छा, घुगली जोगियां। तो यहाँ जनता दरबार में आई हैं, तो महाराज जी से क्या आश्वासन मिला आपको? बाबा से कोतन कार्रवाई हो जाए, जो जो हम सोचा तवन हो जाए। मतलब जो समस्या लोग को ले, हाँ, सबकर समस्या ही बाबा अथी करते, हल कर देते हैं। हाँ, सबकर हल कर देते। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। तो कार्रवाई सबके खिलाफ होती है जो, हाँ, मतलब गलत काम करता है? हाँ, जो गलत काम कर सबकर बाबा अथी करे न। तो बहुत सारे लोग आए थे फरियादी? बहुत सारे आदमी आते हैं दूर दूर से, दूर दूर से, बहुत जगह से। तो जनता दरबार में जो आप लोग आते हैं तो आप लोग का काम हो जाता है? हाँ, काम हो जाए बाबा के इथी से। क्या नाम है आपका? अंजनी। आप कहाँ से आए हैं? हम इटावा से। इटावा से आए हैं। कहाँ पे आए हैं, किस जगह? जनता दरबार में आए, गोरखपुरनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर में आए जी। तो महाराज जी से मिले हैं? हाँ। तो क्या बोले महाराज जी? महाराज जी ने कही होगा, आवास भी मिलेगा, पेंशन भी आएगी। आवास और पैसा मिलेगा। हाँ। तो बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, बहुत भीड़ है अंदर, बहुत भीड़ है। हाँ। सबकी समस्याओं को सुन रहे? हाँ, सबकी समस्या सुन रहे, समस्याओं को सुन रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है? हाँ। और जो समस्याएं लेकर आ रहे हैं सभी लोगों को? हाँ। तो सभी लोगों की समस्या सुन, सबकी सुनी जा रही है, निदान हो रहा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीरू। गुरु गुरु, आप कहाँ से आए हैं? महाराजगंज जिले से आए हैं। क्या नाम है आपका? कनीच नाम है, परसा थाना से आए हैं। अच्छा, तो कोहरगड्डी टोला छितवनिया, यहाँ गोरखनाथ आए हम। अच्छा, बाबा जी के जनता दरबार में? हाँ, जनता दरबार में सुने हैं बहुत लोग का भला हो जाता है। हम भी पहली बार आए हैं, तीन तीन बेटियाँ हैं, हमारा पति शादी कर लिया है। समस्या को लेकर आई थी तो बाबा जी ने सुना? हाँ, बाबा जी ने सुने और बोले कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मिल जाएगा घर बार, सब मिल जाएगा। हमारा पति भाग भी गया है। और जो है यहाँ बहुत सारे लोग आए थे क्या? हाँ, बहुत सारे लोग आए थे। सबकी सुनवाई की है महाराज? हाँ, सबकी सुनवाई की है, 200-300 लोग आए थे, सबकी सुनवाई की है। सबको देखते हैं? हाँ, सबको देखते हैं। और कार्रवाई का आदेश देते हैं? हाँ, कार्रवाई का आदेश दिए हैं। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, देखिए मेरा होता है कि क्या होता है। परसा थाने वाले लोग को खाली बैंड बज जाए, सब काम हो जाएगा, वही लोग खाली हमारा काम बिगाड़ रहे हैं। प्रधान है, वो भी नोटिस भी। भैया कहाँ से आए हुए हैं? हम जनपद देवरिया से आए हुए हैं। यहाँ महाराज जी के जनता दरबार? हाँ, मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार गोरखपुर मंदिर में लगता है, और रात में हम लोग 4 बजे गेट खुला, 4 बजे से आए हैं। और सिस्टम से जो है करीब 250-300 लोग थे, और सबसे मुख्यमंत्री जी एक एक करके मिले हैं और आश्वासन दिए हैं, और कार्रवाइयाँ होती हैं जिससे लोगों को बड़ी उम्मीद है, और कार्रवाइयाँ होती है, लोग संतुष्ट भी होते हैं। तो सबकी बातों को सुनते हैं महाराज जी? हाँ, एक एक करके सबकी बातें सुनते हैं। जिस तरह के जिस विभाग का रहता है अधिकारी वहाँ रहते हैं, DIG IG वगैरह और DM वगैरह, उनको संबंधित को देते हैं, अपना अपना लोग लेते हैं और आदेश करके सिस्टम में भेजते हैं। जनता दरबार में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जनता दरबार में पूरे उत्तर प्रदेश से, शामली से, फतेहपुर से, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, बड़ी रात में जग करके जो है। तो महाराज जी सबकी बातों? हाँ, सबकी एक एक करके बात सुने हैं, और संबंधित विभाग के अधिकारी को, चार चार तरह पांच तरह के अधिकारी लोग थे जो जिनको दिया जाता था संबंधित कैटेगरी में। तो आपकी भी बात सुनी गई है? हमारी भी बात सुनी गई है। हमारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध जो है लोकायुक्त की जांच हुई है। तो आपको भी न्याय मिलेगा? हाँ हाँ। तो उसके बाद जांच रिपोर्ट पर DM देवरिया कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके विषय में मैंने एप्लीकेशन दिया है। क्या नाम है आपका? अलकेंद्र राव, सामाजिक कार्यकर्ता, जनपद देवरिया। कहाँ से आए हैं भैया? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर। तो महाराज जी से जनता दरबार में मिले तो कैसा लगा आपको? यहाँ आने के बाद यहाँ के नियम बहुत अच्छे लगे, कि आने वाले सभी आगंतुक गण को जो है नियमबद्ध तरीके से जांच परख करके और लाइन में खड़ा करके जो है वहाँ फिर पहुँच के कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था की गई, और महाराज जी के समय अपने समय से पहुँच करके एक एक व्यक्ति के पास जा करके स्वयं सभी लोगों से पत्र लेकर के पढ़ करके और उनकी समस्याओं का निदान करने का पूरा पूरा आश्वासन देते हुए जनता दरबार को संपन्न किया। तो जनता दरबार में सभी की समस्याओं को सुने महाराज जी? जी, बारी बारी से सबके पास जा करके पत्र को पढ़ते हैं, पत्रों को संबंधित अधिकारियों को फिर सौंप देते हैं। सौंप देते हैं जी। तो ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? इसे अपने गोरक्ष प्रांत के लगभग कई जिलों के लोग, प्रदेश के लगभग कोने कोने के जिले जिनकी समस्या होती है,
जैसे अपना संत कवि नगर है, बस्ती है, शामली है, बलिया है, जो जी है। जी अपनी समस्याओं तो आपकी भी समस्या को निदान के लिए बोले हैं। जी आप पूरा आश्वासन दिए हैं कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। भोलेनाथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।